छोड़ दे। पकड़े। कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो, अपनी नजरें इसके ऊपर टिका लो, एक सेकंड के लिए भी इसको अकेले मत छोड़ना, क्योंकि तुम लोग जितने बुद्धिमान हो ना, उससे 50 गुना ज्यादा ये चालाक है। अपनी उसी चालाकी की वजह से एक बार मेरे भाई के हाथों से भी निकल चुकी है ना प्रज्ञा मैडम, याद है ना, मेरा भाई और बदला है। देख देख देख, बदले का नाम सुनते ही कैसे फुरफुरा रही है, जैसे अभी पर निकालेगी और फुर फुर करके यहां से उड़ जाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता प्रज्ञा मैडम, क्योंकि अब तुम्हारे आशिक की शादी शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद वो शादी खत्म भी हो जाएगी, और उसी के साथ खत्म हो जाएंगी तुम्हारी सब वो साजिशें जो तुमने इस शादी को रुकवाने के लिए रची थी। सब जानता हूं मैं, शादी का यही जोड़ा पहनकर तू उधर मंडप पे बैठना चाहती थी ना, आज मैं तेरी ये मुराद भी पूरी करूंगा, लेकिन मंडप पे नहीं, यहां पर घोड़ों के अस्तबाल में। और अब बात रही तेरे उस पति देव की, कुछ ही देर के बाद वो किसी और का हो जाएगा। शर्म नहीं आती तुम्हें, एक पत्नी के सामने उसके पति की शादी की बात कर रहे हो, उनके पास होना, उनके साथ होना मेरा हक है, आज तुम्हारी वजह से कोई और मुझसे वो हक जीत लेगा। लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुम तब समझोगे जब तुम्हारी बहन के साथ होगा ऐसा। निकम्मा, तुम इसे पकड़ नहीं सकते या मेरे दूसरे गाल पर भी जाना मरवाओगे, लेके जाओ उसे और जाकर इसके हाथ पांव इतनी कस के बांधो, इतनी कस के बांधो कि इसके हाथ पांव जलने शुरू हो जाए, समझे? भाई भाई जाओ। ये डमरू का फोन क्यों नहीं लग रहा? सब ठीक तो है ना? कहीं प्रज्ञा की माँ अड्डे पे तो नहीं पहुंच गई? नहीं नहीं, वो कैसे पता लगाएगी कि प्रज्ञा कहाँ है? वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। दोबारा लगाता हूँ। अच्छे से, अच्छे से और अच्छे से। बहुत मजबूत बांध दिया भाई। शाबाश। तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। हम लोग तुझे सही दिखते हैं क्या? गलत बंदे गलत धंधे। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम लोग नहीं जानते, मेरे पति को पता चला ना कि तुम लोगों ने इस तरह मुझे यहाँ बांध रखा है, तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे अगर तेरे पति को पता चलेगा तब ना, अरे रोना धोना बंद कर, ये धमके देने भी बंद कर, इन दोनों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। और तुम लोग भी कान खोल के सुन लो रे, इसको अच्छे से टाइट करके बांधो और इस पर अपनी पूरी नजर रखो, बहुत चालाक है ये, और मुझसे पूछे बिना इसको पानी की एक घूंट भी मत देना। धागा कहाँ चला गया? दूसरा धागा ले लेती। ये फूलों की टोकरी कहाँ गई? ये तो अच्छा, तो ये है, इन्हें मैं अभी बताती हूँ। सब समझ में आता है। आप समझ पाते तो मुझे मन में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी तरह तुम्हारा ये जो भगवान है वो भी मन की बात जान लेता है? मतलब तुम इन्हें जो रोज फूलों की माला चढ़ाती हो, इन्हें पता है बदले में तुम्हें क्या चाहिए? कुछ मिला है आज तक?
मैं भगवान से कुछ पाने के लिए उन्हें माला नहीं चढ़ाती, इसलिए चढ़ाती हूँ ताकि मैं इनसे जुड़ी रहूं। अच्छा, ये फूलों को फूलों से जोड़कर तुम भगवान से कैसे जुड़ जाती हो? देखिए, जब ये फूल मेरे भगवान तक पहुंचते ना, मुझे लगता है मैंने इन्हें छू लिया, और जब ये माला मैं उन पे चढ़ाती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा उनसे रिश्ता जुड़ गया जो जिंदगी भर के लिए रहेगा। ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि शादी के वक्त लड़का लड़की एक दूसरे को वरमाला क्यों पहनाते? पता है, पता है। लड़का लड़की को जब वरमाला पहनाता है ना, इसके मतलब ये होता है कि लड़का जो है वो लड़की गले में पट्टा डाल रहा है, जिससे वो लड़की से जो मर्जी करवा सके, है ना? और जब लड़की लड़के के गले में वरमाला डालती है, इसका मतलब होता है कि वो उसके गले में फांसी का फंदा डाल रही है। ताकि जब भी लड़के को सांस लेनी भी हो तो लड़की की रजामंदी से ले। कितना गलत सोचते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, तुम बताओ ना असली मतलब क्या है। मैं तो ऐसे ही ठीक रहा। ये वरमाला ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब एक दुल्हन दूल्हे को पहनाती है, उसका मतलब ये होता है कि वो उससे वादा कर रही है जिंदगी भर उसका साथ निभाएगी। जब दूल्हा दुल्हन को पहनाता है, उसका मतलब ये होता है कि वो वादा कर रहा है कि जिंदगी भर उसके साथ रहेगा और उसकी तरफ अपनी हर जिम्मेदारी निभाएगा। तो फूलों का वरमाला क्यों, सोने चांदी का क्यों? क्योंकि फूलों में जो खुशबू होती है, जो रंग होते हैं, जो खूबसूरती होती है, वही खूबसूरती उनकी जिंदगी में आ जाती है। लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय सुत जय की विभूषिताय गौरीय जगन्नाथ। अभी अभी तो ठीक तो है। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी पहले मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें दिख रही है। क्या दिख रहा है अभी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये सब पहले देख चुका हूँ। ये अग्नि, ये फेरे, ये मंडप। अभी ये सब कैसे दिख रहा है? हमारी शादी तो पहली बार हो रही है। मुझे नहीं पता, मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ये सब पहले कर चुका हूँ। मिताली प्लीज पानी लेकर आना। अभी लेकर आई? अभी मुझे लग रहा है कि ये गर्मी और धुएं की वजह से ना तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तनु भी गिर गई थी। तुम आई थिंक ऐसा करो कि तुम जल्दी से ये फेरे पूरे कर लो, फिर आराम कर लेना। हाँ गुरुजी, आप प्लीज ये फेरे जल्दी से करवा दीजिए ना। देखिए, आप पंडित जी से बात कर लीजिए कि वो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ें। वो जल्दी मंत्र पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा जी। पंडित जी आप ये फेरे जरा जल्दी से करवा देंगे? क्या है ना कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, शादी जल्दी हो जाएगी तो फिर दोनों आराम कर लेंगे, बस इसीलिए। पानी, अभी पानी पियो। पंडित जी, आप शुरू करिए ना, जल्दी से शुरू करिए ना। जी जी जी, ठीक है। तुम क्या कर रही हो तनु, खड़े हो जल्दी। हाँ पंडित जी, आप शुरू करिए। अरे आप वहाँ क्या खड़े, उठाइए संभालिए अभी को। अरे अभी अभी बंद करो ये पूजा। कोई शादी नहीं होगी। दादी क्यों नहीं हो सकती? अरे देख ली नहीं, अभी की तबीयत बिगड़ी जा रही है और सब लोग देख रहे हैं। तमाशा है क्या, किसी को परवाह ही नहीं? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है, हम सबको परवाह है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जल्दी से शादी हो जाए तो फिर ये आराम कर पाएगा। देखिए ये खड़े नहीं हो पा रहा है। परवाह होती ना तो इसको कमरे में लेके जाती, थोड़ा आराम करवाती।
और जबरदस्ती फेरे नहीं करवाती। दादी ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी बेटी की परवाह है, बस मैं चाहती हूँ शादी बीच में नहीं रुके। इसीलिए तुझे अपनी बेटी की परवाह है ना, तो मुझे अपने पोते की परवाह है। आओ तनु, फाइनली फेरे हो ही गए, बस ये लास्ट है, उसके बाद अभी तुम्हारा हो जाएगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इन्हें तो मैं भूल ही गई थी। वाह, क्या एंट्री मारी आंटी जी। रिटर्न ऑफ बाहुबली माँ। अब आएगा मजा कहानी में। क्या कमाल का ट्विस्ट है ये। ट्विस्ट नहीं मिताली, ये तो क्लाइमेक्स लग रहा है कहानी का। क्यों, क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? रॉकस्टार मानते हैं ना तुमको सब, करोड़ों लाखों फैन है ना तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर दिल नहीं, क्योंकि अगर दिल होता ना तो तुम मेरी बेटी के साथ वो नहीं करते जो तुमने किया। क्यों, क्यों किया तुमने प्रज्ञा के साथ ऐसा? किस्मत की मार तो उस पर पहले से ही थी, क्यों, क्यों किया तुमने उसके साथ? संभल जाती वो, लेकिन क्यों दिया तुमने उसे सारा, और सहारा देने के बाद फिर क्यों छोड़ दिया उसके साथ? अगर उसे कह दिया था कि उसे प्यार करते तो फिर निभाया क्यों नहीं? तुमने जो किया है ना प्रज्ञा के साथ, उसके बाद कोई भी प्यार पर विश्वास करेगा ही। मैं तो कहती हूँ कि लोग सोचेंगे प्यार करना ही नहीं चाहिए। जरूर उसने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो इस जन्म में उसे ये सब देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं हमेशा उसके भाग्य को खोजती थी। लेकिन इस बार मैं तुम्हें खोजूंगी, क्योंकि तुम जिम्मेदार हो सब चीजों के, सब कुछ तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में था, लेकिन तुमने उसे जाने दिया। लेकिन प्रज्ञा के पास आपसे भी कम टाइम बचा, आपके पास शायद 2-3 महीने हैं, प्रज्ञा के पास शायद सिर्फ 2-3 घंटे। प्लीज आंटी जी, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने आपसे जो वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे लिए प्रज्ञा की जान बचाना ज्यादा जरूरी। चलिए मेरे साथ। अभी अगर आज ये मंडप से तुम बाहर गए तो तुम समझ लेना कि तुम मेरी जिंदगी से बाहर जा रहे हो। अगर आज तुम मुझे छोड़ के चले गए तो दोबारा मुड़ के मुझे कभी मत देखना। अभी मैं लड़की हूं, तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि जब चाहे साइन कर लिया, जब चाहे कैंसिल कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी बहुत इंसल्ट करवाई है, हर जगह हर वक्त तुम्हारे लिए मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है। तुम्हें प्रज्ञा की तकलीफें दिखाई देती और मेरा क्या? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया वो नहीं दिखाई देता? अपना करियर, अपना फ्यूचर सब कुछ दांव पे लगा लिया सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम के लिए। मेरी फैमिली का नाम बदनाम कर रहे हो। अभी आज मेरी शादी है और ये दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इस दिन को मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता तुमने किसके साथ क्या प्रॉमिस किया है, पर मैं ये जानती हूं तुमने मेरे साथ क्या प्रॉमिस किया। मुझे क्या कहा था कि तनु जो तय हो जाए लेकिन किसी भी हाल में मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। तो फिर आज क्या हुआ अभी? हाँ आज क्या हुआ? आज हालत बदल गए तो फैसला बदल गया। उसी वक्त बोल देते मुझे कि जैसे जैसे प्रज्ञा की सिचुएशन चेंज होगी हमारी शादी की डेट चेंज होगी। नहीं होता ऐसा, मैं अपनी लाइफ टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं जी सकती। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये शादी आज ही होगी, अभी होगी, इसी वक्त ही होगी। और अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते, यहां से जाना चाहती हो, तो ये याद रखना कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। और एक बात और याद रखना, तुम सिर्फ मेरी फैमिली को बदनाम नहीं कर रहे बल्कि अपनी फैमिली को भी बदनाम कर रहे। जब कल के न्यूज़पेपर में ये आएगा कि अभी द रॉकस्टार अपनी सेक्रेटरी के लिए अपनी शादी का मंडप छोड़ के चला गया, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूं अभी। अगर आज तुमने ये शादी नहीं की तो फिर तुम खुद ही देख लेना कल तुम्हारी क्या बदनामी होती। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है तनु, मुझे परवाह है तो सिर्फ अपने फैमिली और फ्रेंड्स की। मैं समझ रहा हूँ तुम जो कहना चाह रही हो, लेकिन इस वक्त मेरे लिए प्रज्ञा से बढ़कर और कुछ नहीं, इसलिए मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। मैं वो कर रहा हूँ जो मेरे दिल में आ रहा है और तुम वो करना जो तुम्हारे दिल में। चलो आंटी जी।